मीत तुझे मेरे गीत बुलाते, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुझे दादी प्रकाशमणि जी के साथ 40 साल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 40 साल तक मैं दादी जी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चली। 16 साल की आयु में मैं यहाँ आ गई थी। दादी जी ने मुझे हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य सिखाया। दादी जी से मैंने बहुत कुछ पाया। आज मैं जो कुछ हूँ वो दादी जी की बदौलत। सबसे पहले दादी जी ने मुझे सिखाया बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और सफाई से रहना है। इन 7 बातों को मैंने अपने जीवन का महामंत्र बनाया और इन धारणाओं को अपनाया, उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। त्याग तपस्या सेवा की साकारी नाम किया है सार्थक अपना, ज्ञान किया भा दे कर, कार्य किया है शिव पिता का निर्मल वाणी द्वारा। दादी जी बहुत बहुत प्यार की मूर्त, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली थी। उनको हर रोज कुछ ना कुछ नया करने के लिए चाहता था। उसी उमंग से उन्होंने बाबा के इस महायज्ञ को चलाया। दादी जी के पास हाँ जी का महामंत्र था। कोई भी कार्य हो दादी जी से पूछते थे, दादी हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, सेंटर खोलें, म्यूजियम बनाएं, हर बात के लिए दादी जी सदाई उमंग उत्साह दिलाती और कहती हाँ करो। कुछ चाहिए तो दादी जी को याद करना, ये दादी की बड़ी विशेषता थी। हर एक का दिल लेना, हर एक को दिल से लगाना, हर एक की बात सुनना और हर एक को आगे बढ़ाना। कभी भी हमने देखा दादी जी ने किसी की भी कमियों को नहीं देखा, सदा सर्व के गुणों को देखा और उन गुणों से ही उन सबको आगे बढ़ाया। हम भी कोई गलती करके आते थे तो कभी भी दादी ने गुस्सा नहीं किया, जोर से नहीं बोला। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया क्योंकि मैं 24 घंटा उनके साथ रहती थी। बहुत प्यार से कहती थी, मुन्नी ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है। उनके उस प्यार में हम सदा समाये रहते थे। मैं तो निरंतर ऐसा ही अनुभव करती थी जैसे मेरे ऊपर दादी जी के प्यार की वर्षा हो रही है। उनकी प्यार भरी दृष्टि जैसे दिल को पिघल देती थी और
उमंग उत्साह कार्य करने का आ जाता था। आज ये बाबा का महायज्ञ है, इतना दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और इतना आगे बढ़ रहा है, उसका कारण यही है। तो दादी जी ने हरेक के ऊपर फेत रखा, कभी किसी को शक्य से नहीं देखा, हरेक पर फेत रखा, हरेक को जिम्मेवारी दी, हरेक को जिम्मेवारी दे करके कार्य कराया। हमारी जो इतनी बहनें हैं, कभी दादी जी ने किसी पे ऑर्डर नहीं किया, हरेक को लीडर बनाया। सिखाया तुमने हमको आपस में मिलकर चलना, ना दुख देना किसी को, निरहंकारी रहना। दादी हमारी दादी, दादी ओ प्यारी दादी, दादी हमारी दादी, दादी ओ मीठी दादी। दादी जी को बाबा के ऊपर बहुत 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 निश्चय और विश्वास था। उनके दिल में बाबा बसता था, दिमाग में बाबा बसता था, निरंतर बाबा बाबा बाबा, हर कार्य के लिए बाबा। कोई भी कार्य हो, कभी भी दादी जी टेंशन नहीं करते थे। हम दादी जी से पूछते थे, दादी जी आपको टेंशन नहीं होता? मैं क्यों टेंशन करूं? करण करावन हर बाबा बैठा है, वो अपना कार्य करा रहा है और कराता रहेगा। तो दादी जी सदा लाइट रहती थी, माइट तो थी ही शक्तिवान, सर्वशक्तिवान, लेकिन लाइट रहती थी और सबको भी लाइट करती थी। कोई भी दादी जी के सामने जाता था, मैं प्रैक्टिकल देखती थी अपनी कोई समस्या लेकर के, दादी जी उसको इतना प्यार करती थी, उसकी बात प्यार से सुनती थी और उसको एकदम लाइट करके हल देके भेजती थी। यही एक कारण है जो आज दादी जी पूरे विश्व में हर आत्मा के दिल पर छाई है, समाई है। हरेक आज दादी जी को याद करके प्यार के आंसू बहाता है। जो राह थी दिखाई दादी जी आपने, उस ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। दादी जी आपको ना हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। आज उनकी सूक्ष्म यादें हैं, उनकी तीन बातें मुझे सदा याद रहती है, रोज अमृत वेले में ये दोहरा लेती हूँ। निमित, निर्माण और निर्मल वाणी। सदा हरेक को अपने को निमित समझ के चलना चाहिए। करण करावन हर बाबा है, कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं। जैसे दादी जी में नहीं था, वैसे हमारे में भी नहीं हो। सदा निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, हरेक को रिगार्ड देना है। ये हम दादी जी से सीखे, सदा झुक के चलना है, सबसे प्यार से चलना है और निर्मल वाणी,
अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। दादी जी ने सिखाया कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोचकर बोलो। हमने अपने जीवन में ये तीनों धारणाएं पक्की की हुई है। धारणाएं तो सभी पक्की की है जो आप सबको सुनाई भी, सुनाने में इतना नहीं भी आता है, लेकिन हमने उस महान हस्ती से बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ दादी जी के पास से पाया। कभी किसी को दुख नहीं देना है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, सदा सुख देना है, सदा सबको दिल की दुआएं देनी है, सबसे दिल की दुआएं लेनी है, सदा संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। जो था वो नहीं है, फिर भी दादी जी हमें अपने साथ का, अपने प्यार का अनुभव सूक्ष्म रूप से करा रही है। सूरज सी फैली किरने जिसके तेज ललाट से जन को शीतल किया जिस पावन गंगा घाट से तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है। तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है। ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। आज से 13 साल पहले ये 13वीं पुण्यतिथि है। दादी जी अब हमें कौन संभालेगा? दादी जी ने आके हाथ पकड़ लिया और कहा मैं हूं ना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा मधुबन में हूँ, सदा दादी कॉटेज में हूँ। आज भी हम ये अनुभव करते हैं, दादी हमारे साथ है, दादी कॉटेज में है, हमारे दिल में है। कोई भी बात होती है हम उनसे पूछते हैं सूक्ष्म में, अव्यक्त स्वरूपा दादी से गाइडलाइन मिलती है, उसी अनुसार हम चलते हैं। हर कार्य हम उनसे ओके करा के ही चलते हैं। जो दादी जी ने किया वो मैं करूंगी, कर रही हूँ और करूंगी भी, और सदा उनके दिखाए हुए मार्ग पे कदम रख के चलती रहूंगी। जो दिन बीते दादी के संग उन्हें अमर बनाना चाहे हम, तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाए हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रहना पाए हम। दादी मेरे दिल की धड़कन है, सदा मेरे साथ है और साथ रहेगी।